हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम छोटी बच्ची के लिए हाफ कॉलर सूट की कटिंग करना सिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सूट की लंबाई नापेंगे। लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 25 इंच। तो 25 इंच पर हमें निशान लगाना है और 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो एक निशान हमें 26 इंच पर लगाना है। यहाँ पर हम हाफ कॉलर में सूट बनाएंगे, तो इसीलिए शोल्डर की चौड़ाई 6 इंच रखेंगे। तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है और यहाँ से आर्महोल की लंबाई नापेंगे। तो आर्महोल की लंबाई भी हम यहाँ पर 6 इंच रखेंगे। तो इस तरह से हमें गुलाई कर देना है, ठीक है। और सीने की चौड़ाई हम यहाँ पर 14 इंच रखेंगे। तो 14 को आधा करेंगे तो 7 इंच पर निशान लगा देंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हिप के लिए। दस इंच पर और एक निशान लगाना है 5 इंच पर कमर के लिए। फिर इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे और कमर की चौड़ाई हम यहाँ पर 13 इंच रखेंगे। तो 13 को आधा करेंगे तो 6.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। और हिप की चौड़ाई भी हम यहाँ पर 14 इंच रखेंगे। तो 14 को आधा करेंगे तो 7 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। फिर इस तरह से तीनों निशान को मिला देना है और नीचे की तरफ सीधी लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें बीच सेंटर पर एक कट लगा देना है। तो हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग करी है, अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें दोबारा से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फिर हम यहाँ पर इसके ऊपर आगे वाले पल्ले को रखेंगे और यहाँ पर आर्महोल की तरफ हमें कुछ इस तरह से आर्महोल की गुलाई करनी है, ठीक है। यहाँ पर 1/2 इंच का हमने मार्जिन छोड़ते हुए आर्महोल की गुलाई करी है और साइड में हमें नीचे तक सेम निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले के नाप से कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें कट लगा देना है। इतना हमारा फोल्ड हो जाएगा। एक कट हम यहाँ पर भी लगा देंगे, यहाँ तक हमारी सूट की फिटिंग रहेगी। तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है, ठीक है। तो इस पल्ले को हम यहाँ पर हटा देंगे और आगे वाले पल्ले को हमें फिर से फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर हमें 14 इंच पर निशान लगाना है और कमर की तरफ हमें 13 इंच पर निशान लगाना है और सीने की तरफ भी हमें 14 इंच पर निशान लगाना है। फिर इस तरह से तीनों निशान को मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा हमारा एक बार फोल्ड है, फिर हम यहाँ पर इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर बाजू की लंबाई 15 इंच रखेंगे। 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 16 इंच पर हमें निशान लगाना है। और यहाँ पर हमें 2 इंच पर निशान लगाना है
यहाँ से बाजू की गोलाई करेंगे और बाजू की चौड़ाई हम यहाँ पर 6 इंच रखेंगे, तो यहाँ पर निशान लगा देंगे और ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। और बाजू की मोरी हम यहाँ पर 4.5 इंच रखेंगे, तो यहाँ पर निशान लगा देंगे और यहाँ पर ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। फिर इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें हल्की सी कटिंग कर देना है और यहाँ पर कट लगा देंगे। ये वाला हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बाजू की कटिंग कर ली है, तो अब हम यहाँ पर गले की पट्टी कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें पेपर पेस्टिंग को कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर गले की चौड़ाई हमारी 6 इंच है, तो 6 को आधा करेंगे तो 3 इंच पर हमें निशान लगाना है और यहाँ पर गले की लंबाई भी 6 इंच रखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही हमारा यहाँ पर गला रहेगा। पीछे की तरफ हम यहाँ पर गला नहीं बनाएंगे, तो इसीलिए हाफ कॉलर में गले की जो लंबाई है वो ज्यादा लेनी होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें गले की गुलाई कर देनी है और गले की जो पट्टी है वो 1 इंच चौड़ी रखेंगे, तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें दूसरी तरफ भी निशान लगा देना है। तो यहाँ पर हमारी गले की पट्टी कटिंग हो गई है। इसको हमें क्या करना है, कपड़े पर चिपका लेना है, ठीक है। तो ये हमारी बाजू हो गई है और ये हमारा पीछे वाला पल्ला हो गया है और यहाँ पर हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग करी है और ये हमारी गले की पट्टी कटिंग हो गई है। तो इस तरह से हमने हाफ कॉलर सूट की कटिंग करना सिखाया है और इसकी सिलाई हम अगली वीडियो में दिखाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोग को सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।